मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट देशभर के इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी। 25-26 जनवरी के दौरान उत्तर भारत में एक ताजा पश्चिमी क्षोभ दस्तक देगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक यह पश्चिमी क्षोभ मजबूत होगा और पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी दर्ज हो सकती है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों तक बारिश देखने को भी मिल सकती है। आज 21 जनवरी को बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य में भी आज 21 जनवरी को 6 जिलों में रहेगा कोल्ड डे का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी को 6 जिलों में घना कोहरा और 8 जिलों में शीतलहर का असर देखा जाएगा। घना कोहरा रहेगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, सहमाधोपुर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले में घना कोहरा रहने की संभावना है। शीतलहर चलेगी धौलपुर, झुंझुनू, करौली, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश राज्य के भी पूर्वी जिलों सहित छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोहरे के साथ शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल में भी बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों यानी दिल्ली एनसीआर के हालात को देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में कोल्ड डे, कहीं कहीं जगह पर कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की संभावना भी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में घने से घना कोहरा छाने की संभावना है। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति की भी संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति की संभावना है। राजस्थान, बिहार के अलग अलग हिस्सों में ठंडे दिन की स्थिति होने की भी संभावना है। बिहार के अलग अलग इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति की भी संभावना है। उत्तराखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में जमीन पर पाला पड़ने की भी संभावना जताई गई है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।